ये इस प्राइवेट स्कूल की छात्रा हैं और इनके साथ बैठा हुआ लड़का जो है ये सरकारी स्कूल का। खड़ा हो जाइए बाबू, कुछ मदद की है आपका? हाँ हाँ, क्या मदद की है? इन दोनों ने मिलकर तिरंगा बनाया। तो क्या बनाई हो? झंडा। झंडा? ये कहाँ का झंडा है, कौन से देश का? भारत। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तेज से बोलो। होती है लाइक हमें चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। हाँ। तो इन लोगों को देख के हमें पैसे की वैल्यू पता चली। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन विभिन्न प्रकार के ड्रेस में हैं। एक ड्रेस ऐसा जो इंग्लिश बोलता है, यानी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं और ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। आज इन दोनों बच्चे जो है एक ही आसमान के नीचे बैठ कर एक साथ जो है पढ़ने का, सीखने का, बोलने का तरीका सीख रहे हैं। और यही कारण है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आज बच्चों का संगम है, यानी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चों का संगम। ये इस प्राइवेट स्कूल की छात्रा हैं और इनके साथ बैठा हुआ लड़का जो है ये सरकारी स्कूल का। खड़ा हो जाइए बाबू, एक बार खड़े हो जाइए। देख सकते हैं ये बच्चा है, इसको क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सूरज। हाँ, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? नगेश। हाँ नगेश। क्या? नगेश। अब इनको जो बोल रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझिए कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन आज इनके दोनों के विचार और भावना का मिलन यहाँ पर हो रहा है। क्या नाम हुआ बच्ची? समृद्धि पटेल। पिताजी का क्या नाम हुआ? श्रवण कुमार चौधरी। श्रवण कुमार चौधरी, क्या कर रही है इनके साथ? कलरिंग, ड्रॉइंग। तो जो है आज ही आज करिएगा या जो है आगे भी करिएगा? हाँ आगे भी इनके साथ ड्रॉइंग कीजिएगा। अच्छा, इनके साथ बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नो सर, नहीं दिक्कत है। यहाँ पर कुछ और बच्चे हैं, क्या नाम हुआ? वैभवी राय। वैभवी राय। वैभवी क्या बना रही हैं? हम अपने देश का झंडा बना रहे हैं। अच्छा, और कुछ मदद की है आपका? हाँ हाँ, क्या मदद की है? इन दोनों ने मिलकर तिरंगा बनाया है। मतलब इनको बनाना आता है? हाँ। जो है इनका अच्छा कैसे साथ दीजिएगा आगे? हम इनका इनसे बात करेंगे, इन्हें गाइड करेंगे। हाँ। इनके मेंटर बनेंगे। तो मतलब इनके मेंटर बनेंगे, इनको आगे जो है गाइड करने का प्रयास। हाँ। करेंगे आप लोग। तो इनसे बात कैसे कीजिएगा? हम इनसे पहले तो इनका हालचाल पूछेंगे, ये कैसे हैं, ये पढ़ाई में कैसे हैं और इन्हें क्या मेरी मदद चाहिए, इन्हें अपने विचारों को बदलने के लिए हमारी क्या मदद चाहिए। हम इनके नेगोशिएशन करेंगे, इनके जो पर्सपेक्टिव है इनका रूल्स को लेके, बुक्स को लेके, पढ़ाई को लेके, भारत को लेकर, उसको बदलने की कोशिश करेंगे। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? एट्थ। एट में। और आपका क्या नाम हुआ बच्ची? अंजू। अंजू, किस क्लास में पढ़ती हो? दो में पढ़ती हो। क्या बनाई हो? झंडा। झंडा? ये कहाँ का झंडा है, कौन से देश का? भारत। भारत का है। चलिए, इनका विचार आज आपस में मिलन हो रहा है, तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर ले जाइएगा क्या? हाँ। अच्छा, फोन पर इनसे बात कीजिएगा। हाँ। तो ये मान लीजिए तुमसे कहेंगे हमको कॉपी चाहिए, तब तो हम आएंगे इन्हें कॉपी देने। देने आइएगा कॉपी। हाँ। पक्का? हाँ। दीदी के साथ कैसा लग रहा है? सही लग। अच्छा लग रहा है, बढ़िया, मजा आ रहा है पढ़ने में है? और बच्चे भी हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कि एक बच्चे जो हैं, जैसे ये सरकारी स्कूल की ये बच्ची है, तो इनके गार्जियन की भूमिका जो है प्राइवेट स्कूल की ये बच्ची निभा रही है। आपका ड्राइंग कहाँ गया? वो सबमिट हो गया। सबमिट हो गया। किस क्लास में पढ़ती हैं? सेवेंथ। अच्छा, इनके साथ क्या कर अभी तक की आप? अभी मैंने ड्राइंग की, घर बनाया, रेनबो बनाया और नाम पूछा, कहाँ पढ़ती हो, क्या ये सब पूछिए। इनसे कुछ पूछिए, पूछो। क्या नाम है तुम्हारा? तेज से बोलो। फिर से और कुछ पूछिए। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? दो। तुम्हारे मम्मा पापा का क्या नाम है? रामजी सीला। और पापा का? रामजी। अच्छा, ये डर काहे रही है आप, इतना तेज काहे बोल रही है, इतना धीरे काहे बोल रही है? अब ये जाने की, ये भी तो इंसान है, ये तेज बोल रहे हैं तो आप धीमे काहे बोल रही हो? हाँ, ये तेज बोले और इनका विचार ऊंच हो, इसीलिए इनको एक साथ बिठाया गया। क्या नाम हुआ आपका? तनुश्री यादव। तनुश्री जो है ये इनको जानती हैं? हाँ, अब जान गए हैं थोड़ा थोड़ा। पहले? अंजलि नहीं, पहले नहीं जानते। आप सरकारी में पढ़ती हैं प्राइवेट में? प्राइवेट स्कूल ऑफिसली। अच्छा, आप दोनों एक साथ बैठी, इनके विचार में और आपके विचार में क्या फर्क है? आप उच्च लेवल का विचार सोचती होंगी, तो इनको ये ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, बस एक कुछ देख ही रही है। तो क्या बनाया आज इनके साथ आपने? आज हमने ड्रॉइंग करी है। मैंने ड्रॉइंग, इनको बहुत अच्छी आती है, दोनों बहुत अच्छी ड्रॉइंग करती हैं और ऐसे थिंकिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि ये थोड़ा भी छोटी हैं तो थोड़ा उस लेवल पे ही सोचती हैं। बट शी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी है दोनों। क्या बोल रही हैं पता आपको? क्या बोली हैं? सर बहुत अच्छी है।
बहुत अच्छी हैं, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसा बोल रही हैं। अच्छा, इनके साथ बैठकर अच्छा लगा? यस सर। तो और आगे भी बैठना चाहोगी? यस सर। हाँ, क्या सीखने को मिला आपको? हाँ, अच्छा, आगे जो है इनको गाइड कीजिएगा आप। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये टीचिंग करा के और करके मुझे ये सीखने को मिला है कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। लाइक हमें चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। हाँ। तो इन लोगों को देख के हमें पैसे की वैल्यू पता चली है। अच्छा, स्कूल तो दोनों है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट भी है। देश की GDP का 5% जो है, जितना GDP है देश का, उसका 5% सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ 5%, मतलब लगभग 100 करोड़ से ऊपर। तो फिर इनकी दशा और दिशा ऐसी क्यों है? मतलब इसको कैसे, मतलब स्कूल तो दोनों है, फिर इनको बेहतर शिक्षा क्यों नहीं मिल पाती है? वहाँ भी वेल एजुकेटेड जो है शिक्षक होते हैं, BEd BTC करके वहाँ पर जाते हैं, तो इनको अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल पाती वहाँ? सी, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स तो पढ़ाते ही हैं, बट अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो ये इनकी और या टीचर्स की गलती नहीं है, ये लेवल ऑफ करप्शन की वजह से होता है। क्योंकि ऊपर से पैसा तो आता है पर वो हर लेवल पे जाते जाते वो पैसा ख़त्म हो जाता है, इसलिए इन लोगों तक थोड़ा सा ही पैसा पहुँच पाता है। स्कूल में खाना वाना मिलता है कि नहीं? मिलता है खाना, मतलब खाना खाना मिलता भी, पढ़ाई भी होती है। मैडम जी स्वेटर वेटर तो नहीं बुनती हैं उधर स्कूल में? नहीं बुनती हैं। चलिए और भी बच्चों से बात करेंगे। सच में ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन अगर इनको गाइडेंस मिले तो ये बेहतर कर पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजश्री। राजश्री, आज कितना बच्चों का झुंड बनाई हो आप? दो। इन बच्चों को क्या सिखाया आपने? ड्राइंग सिखाया। ये मुझसे अच्छा ड्राइंग करते हैं। ये लोग अच्छा ड्राइंग, ड्राइंग अच्छा कर लेते हैं, ये बेहतर हमें पता है। हो सकता है ये आपसे अच्छा ड्राइंग कर ले। क्या बनाती हो तुम बबनी बाबू, क्या बनाती हो? नाम बता दो। क्या नाम हुआ आपका? अन्नू। टॉफी वॉफी दी है कि नहीं दीदी लोग? दी है ना, चलिए ठीक है। इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं गाजीपुर के युवा समाज सेवी सिद्धार्थ सेवार्थ जी ने। इस कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है और एक ही आसमान के नीचे इन सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को लाकर बिठा दिया है, ताकि ये एक दूसरे की बात को, भावनाओं को, विचारों को समझ पाए। सिद्धार्थ भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये क्या चल रहा है? मतलब कहा जाता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, सड़कों का संगम होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों का संगम हो गया। एक तरफ सरकारी स्कूल के बच्चे जो ढंग से हिंदी भी बोलना नहीं जानते हैं, एक तरफ प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, उनसे पूछिएगा क्या बनिएगा तो कहेंगे हम IAS ऑफिसर बनेंगे, और सरकारी स्कूल के बच्चों से पूछिएगा क्या बनेगा तो उनके पास कोई कॉन्सेप्ट, कोई विचारधारा नहीं है। यहाँ पर इन दोनों बच्चों को बैठाने का एक साथ मकसद क्या है? जैसे आज के टाइम में भी जो बड़े हो गए लोग, उनको कहीं से अपने बचपन में गाइडलाइन नहीं मिल पाती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं, तो बाद में बड़े होने जाने के बाद बच्चों को अफसोस होता है कि हमें बचपन में कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। वैसे ही ये जो शहर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये होनहार हैं, और सही मायने में इन बच्चों से पढ़ाई लिखाई में बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं। तो ये बड़े बच्चे जो हैं छोटे बच्चों को अपना भाई बहन बना करके फ़ोन के माध्यम से, मिलने जुलने के माध्यम से हमेशा संपर्क में रहेंगे और उनको गाइड करने का काम करेंगे, उनकी परेशानियों को जानने का काम करेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम करेंगे। जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे आए हैं सनविम स्कूल महाराजगंज से, उनकी प्रिंसिपल मैडम यहां पर साथ में हैं। मैडम, जब सिद्धार्थ भैया ने आपको अप्रोच किया कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ बैठेंगे, तो आपको ये नहीं लगा कि सरकारी स्कूल के बच्चों का कपड़ा फटा होता है, उनका कपड़ा गंदा होता है, उनको ढंग से हिंदी भी बोलने नहीं आता है, और हमारे बच्चों तो फर्राटेदार इंग्लिश, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, ये सब बोलते हैं, तो आपको ये नहीं लगा संकोच कि हम अपने बच्चों को यहां नहीं बैठने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहां आके मेरे बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज डेवलप होंगी, और आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चों के चेहरे पे जो खुशी है आज, वो शायद स्कूल में कभी किसी एक्टिविटी के दौरान नहीं दिखी होगी। हाँ। और यहाँ आके वो बहुत खुश हैं कि वो किसी को कुछ दे पा रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, वो दो टिफिन लेकर आए हैं, दो टिफिन, एक वो अपने लिए खुद के लिए आए हैं स्वयं जो वो खुद खाएंगे, और दूसरी टिफिन अपने सहपाठी के साथ शेयर करेंगे, यानी ये बच्ची दो टिफिन लेकर आई है। यस सर। कितना क्या लाई
है टिफिन में? मैगी लाया है बच्चों के लिए, अपने लिए भी। अपने लिए तो एक टिफिन आप पूरा खा जाओगी शायद, लेकिन अगर इन लोग को चाहिए रहे तो शेयर करेंगे, हम लोग शेयर करके खाएंगे। अच्छा मम्मी पूछी नहीं कि दो टिफिन कहे ले जा रही हो, तुम तो थोड़ा खा देती, आप दो कहे ले रही? मम्मी को बताया ना क्या, हम लोग अपने बच्चों के साथ खाएंगे, मतलब अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करके खाएंगे। तो आपका पार्टनर तो बढ़िया बढ़िया स्कूल में आपकी तरह आता होगा, ये तो थोड़ा जो है फटा कपड़ा भी पहनी है। अब पार्टनर ये थोड़ी ना बताया, हम लोग पार्टनर कपड़े या फिर उसका लेवल देख के थोड़ी ना बनाते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं अच्छे अच्छे। तो ये जीवन भर फ्रेंड रहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दीदी के साथ कैसा लगा? कैसा लगा मेरे साथ बोलो ना, क्या कैसा लगा दीदी के साथ? नीक लगा। मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये हो सकता है कि बहुत अच्छी फर्राटेदार और बहुत बढ़िया हिंदी और इंग्लिश इनको विषयों का ज्ञान हो, लेकिन हो सकता है कि इनको जो है अच्छा नीक लगने लग जाए, तो ये फर्क है इनमें। लेकिन ये फर्क अब यहाँ पर खत्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों बच्चों का मिलन हो रहा है। अगर देश और समाज का विकास करना है तो इस तरीके का आयोजन सच में बहुत जरूरी है, ताकि जब लोगों की विचारधाराएं और सहभागिता आपस में बढ़े तो देश भी तरक्की करेगा और देश में रहने वाले युवा भी और बच्चे भी। बाकी इस वीडियो को अभी तक आप देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।